मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। १९०० में अमेरिकी सिविल इंजीनियर जॉन अल्फ्रेथ वाटकिंस द्वारा अगले 100 वर्षों में क्या हो सकता है से प्रेरित वाटकिंस द्वारा की गई कई अनएक्सपेक्टेड लगभग असंभव भविष्यवाणियां सच हुई। तो ये रहे 7 भविष्य के फैक्ट्स जो 2122 में घटित होंगे। महासागरों पर भारी खेती की जाएगी, न कि केवल मछलियों के लिए। हमें लगभग 12 अरब लोगों को खिलाने की आवश्यकता होगी। वर्तमान विश्व जनसंख्या 8 अरब है और प्रकृति मांग को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए हमें मछली के लिए और अधिक समुद्री खेती की आवश्यकता होगी। लेकिन एल्गी की खेती भी रिन्यूएबल एनर्जी के रास्ते पर है और शायद समुद्री एल्गी या एल्गी के माध्यम से कच्चे माल या संसाधन निष्कर्षण के विकास के लिए भी। रिन्यूएबल एनर्जी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में उच्च दर पर फिर से भर दी जाती है, जैसे धूप, हवा और पानी। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक डेनिस बुशनेल के अनुसार, खारे पानी के एल्गी, जिन्हें नॉर्मल एल्गी की तुलना में हवा से अधिक नाइट्रोजन को सोखने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, अब पारंपरिक कृषि में बंधे ताजे पानी के 68% तक मुक्त हो सकते हैं। यह पानी प्यासी आबादी तक जा सकता है। हम थॉट ट्रांसमिशन के माध्यम से कम्युनिकेट करेंगे। ट्रांसमिशन मस्तिष्क वृद्धि के अन्य रूपों की तरह ही आसान होगा। थॉट को उठाना और उन्हें दूसरे ब्रेन में भेजना उन्हें नेट पर सेव करने से ज्यादा कठिन नहीं होगा। सिंथेटिक टेलीपैथी एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है, जब तक कि कम्युनिकेशन को शब्दों के बजाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में समझा जाता है। अपने दिमाग को तेजी से काम करने के लिए हम सभी को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। हम कई लोगों के लिए 2050 तक इसकी उम्मीद कर सकते हैं। 2075 तक डेवलप्ड वर्ल्ड में अधिकतम लोग अपने दिमाग के लिए किसी न किसी प्रकार की मशीन वृद्धि का उपयोग करेंगे और सदी के अंत तक लगभग सभी लोग करेंगे। अगर कोई और ऐसा करता है तो आपको कम्पीट करनी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हिस्सा बन जाएगा। इससे पहले कि कोई बच्चा अस्पताल छोड़ता है, उसे सेंसर और संभवतः यहां तक कि एक्चुएटर के साथ इंस्टॉल किया जाएगा जो स्वास्थ्य निगरानी, जियोलोकेशन और बहुत कुछ आपको बताएगा। रक्त कोशिकाओं जैसे छोटे सेंसर शरीर के रक्त प्रवाह में यात्रा करेंगे, हेल्थ रिस्क की पहचान करेंगे और उन्हें निवारक देखभाल के लिए ऑटोमेटिकली रिपोर्ट करेंगे। सेंसर की लोकेशन अवेयर कैपेबिलिटीज के कारण माता पिता को हमेशा पता चलेगा कि उनके बच्चे कहां हैं, सटीक एक्यूरेसी के साथ। जबकि ये सुधार आज डरावना या अनावश्यक लगता है, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के मामले में मानव और टेक्नोलॉजी के बीच इस सजीवी संबंध के लाभ कई होंगे। अन्य ग्रहों पर घर बसाना शुरू हो जाएगा। 100 साल के अंदर चांद पर रहने और काम करने वाले स्थायी मानव कॉलोनी का कोई न कोई रूप होगा और मंगल पर काम करने के परमानेंट बेस के कुछ छोटे रूप होने की भी संभावना है। बहुग्रहीय प्रजाति बनने का प्रयास पहले ही शुरू हो चुका है और 100 वर्षों में और भी अधिक विकसित होगा। चांद और मंगल दोनों ही सौर मंडल में ऑटोनोमस मिशनों के लिए इम्पोर्टेंट बन गए क्योंकि अन्य ग्रहों की खोज और व्यवसायीकरण गति पकड़ रहा है। मनुष्य मेटावर्स में रहेंगे। कुछ नया और अधिक शामिल होने की संभावना इंटरनेट की जगह लेगी, वो मेटावर्स है। ग्रह पर हर कोई मेटावर्स से जुड़ा होगा। घरों, कारों, व्यवसायों और यहां तक कि हमारे शरीर पर भी निगरानी रखी जाएगी। वर्चुअल रियलिटी सामान्य हो जाएगी। वर्चुअल रियलिटी या वीआर एक नकली वातावरण बनाने के लिए कंप्यूटर तकनीक का उपयोग है जिसे 360 डिग्री में खोजा जा सकता है। परिवहन का विकास। पिछले 200 वर्षों में परिवहन में पूरी तरह से क्रांति आ गई है। 1804 में निर्मित पहले स्टीम रेलवे से लेकर 1903 में पहले संचालित विमान और यहां तक कि 1942 में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले रॉकेट तक, 2025 तक शहर चालक रहित टैक्सियों के नेटवर्क की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। लोगों को अब कारों के मालिक होने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके बजाय वे कार शेयरिंग स्कीम की सब्सक्रिप्शन लेना चुन सकते हैं। 2030 तक दुनिया का पहला कमर्शियल हाइपरलूप हो सकता है। लगभग 760 मील प्रति घंटे की गति से दुनिया भर के यात्रियों को आगे बढ़ाना।
हाइपरलूप तकनीक में एक फ्लोटिंग पॉड का इस्तेमाल किया जाता है जो एक बहुत बड़े कंप्रेशर ट्यूब के अंदर होता है, जिसकी मदद से यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कर सकते हैं। हाइपरलूप एक नवीन जमीनी परिवहन का साधन है जो अनेक कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। इस तकनीक के अंतर्गत 700 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार से यात्री आवागमन कर सकते हैं। 2035 तक सभी कारों और सड़कों में ड्राइवर, ट्रैफिक लाइट और बाकी संकेतों को ऑटोमेटिक और किसी भी स्थिति के लिए सुधार करने के लिए AI टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जाएगा। 2050 तक हम सड़कों पर निर्भरता खत्म करेंगे और आसमान में कम करेंगे। जहां सड़कों की तुलना में अधिक जगह है, उच्च मात्रा और उच्च गति यात्रा की अनुमति देता है। 2100 तक पहला हाइपरलूप पृथ्वी के बाहर अन्य कॉलोनियों में काम करेगा। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।